स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्टोग्राम एंड ओजीव। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 19A में देखो, एज दिया हुआ है 25 से 30, इसके बीच में फ्रीक्वेंसी दी है 12, वैसे ही 30 टू 35 11 दिया हुआ है, 35 टू 40 8 दिया है, 40 टू 45 1 और 45 टू 53। अब इसके लिए क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ग्राफ पे करने वाले हैं। देखो ये जो रहेगा ना, इसको हम लेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये जो क्लास इंटरवल है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास भी है तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये रही ग्राफ कॉपी हमारी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को विजिबल होगी। तो कितना कितना है डिस्ट्रीब्यूशन, 25 से 30 है। तो देखो यहाँ पे ना ऐसे स्क्वीज कर देते हैं, है ना, ऐसे। ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है 0 से लेके 25 तक की वैल्यू डिनोट करता है। अब यहाँ पे सबसे पहला है हमारा इंटरवल कितना है, 25 से 30 के बीच में, यानी यहाँ 25 और ये 35, 25 से 30 के बीच में, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45 और 45 टू 50, ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ पे। अब हमको बनाना क्या है, हिस्टोग्राम। तो सबसे पहले ये देखो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये फ्रीक्वेंसी ली है। अब आप पूछोगे ज़रूर हमसे कि ये फ्रीक्वेंसी ऐसे क्यों ली है, क्योंकि हमको आसानी हो, 10 से 12 तक के बीच में आ रहा था। आप अगर लेंदी बनाना चाहते हैं तो आप इसको और ज़्यादा नीचे कर देते, यानी 1, 2, 3, 4 पूरा नीचे से ले लेते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 तक ले लेते तो भी काम हो जाता। मैंने जगह बचाने की कोशिश की है, इसीलिए एक बॉक्स में मैंने दो यूनिट लिया है। तो 25 से लेकर 30 के बीच में फ्रीक्वेंसी देख लेना बुक में है 12, तो यानी कि हाइट कहाँ तक जाएगी, यहाँ 12 तक, ठीक, 12 तक गई। इसके बाद 30 टू 35 के बीच में कितना दिया हुआ है, 30 टू 35 के बीच में 11, जस्ट उससे पहले 11, यानी कि ये 12 था, 12 और 10 और 12 के बीच में आएगा 11, यानी ये वाला है, ठीक, ये आ गया तुम्हारा 11। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 81 थी, तो जल्दी से लगा लेते हैं 8 के बाद 1, 1 यानी एकदम छोटा सा, और 81 के बाद 2 और 4 के बीच में देखो ये 3 है ना, देखो 3। तो बस अब सबको हम बना देते हैं, ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम सबसे पहले वाले के लिए। अभी सेकंड वाला देख लो जल्दी से। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170 और इतना। देखो मोस्टली ना 10, 16, 12, 2 ये 2-2 से डिविजिबल भी हैं, है ना, तो इसलिए अपनी आसानी के लिए कर लिया। वरना अगर सिंगल सिंगल ब्लॉक लेंगे तो 16 तक लेना पड़ेगा, यानी कि एक सिंगल बॉक्स को लेंगे तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक 16 बनाना पड़ेगा, लेंथ हो जाएगी। तो 16th लेंथ से बचने के लिए हम 2-2 ले लेते हैं, 5-5, 10-10 अपने हिसाब से ले लेते हैं, और ऐसा हम लें कि एकोमोडेट भी हो जाए और हर किसी को समझ में भी आ जाए। अब ऐसा भी नहीं लेना है कि इसके इसके बीच में मैंने 100 ले लिया, 200, 300, वो भी लेते हैं लेकिन वक्त पे, है ना। अब ठीक है, वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको अरेंज कर ले। अब यहाँ पे भी देखो ये स्क्वीज कर लो, पहला कितना है 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 180, 190 और 200। कम में एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप भी तो कॉपी में कर रहे होगे। तो सबसे पहला मेरा 140 से 150 तक है, 5, 10, 16, 12 है। फिर पहला है 5, ये रहा 5, 5 के बाद है 16, ये रहा 16, बनाते हैं, यानी कि 140 से लेके 150 तक फ्रीक्वेंसी है 5, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी है
आपका 16, ठीक है, 5, अच्छा 10 के बाद 16 था, सॉरी 5 के बाद 10 था, 10 यानी कि ये रहा 10, अच्छा 10 के बाद 16 है तो यहाँ 16 तक चले ही जाते हैं, 16 तक, अब 16 के बाद कितना है 1272, यानी कि 12 यहाँ पे, 12 के बाद 7, 6 और 8 के बीच में ये रहा 7, इसके बाद 2 दिया है 2, अब सबको मिला दो, ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसीज दे सकते हो 140 से 150 के बीच में 5 तक गया है, 150 से 160 के बीच में 10 तक, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 7 और ये उसके बाद 2 तक, ठीक है। तो इन सबों में तुमको लिखना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह हमें करनी नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3 वाला, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर डेली 20 ड्रग स्टोर्स इन द फॉलोइंग डेटा, अर्निंग ऑफ 20 ड्रग स्टोर्स 150 से 200, फिर उसके बाद 150 से 200 के बीच में 14 है, 200 से 250 कमाने वाले 9 है, 250 से 300 वाले 3 है, और 300 से 350 वाले कितने हैं 4 हैं, ठीक है। अब इसमें हमने आपको पहले ही बता दिया है कि फ्रीक्वेंसी हम एक्स एक्सिस, वो फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे रख रहे हैं, और ये जो अर्निंग दी हुई है इसको हम एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमने बना लिया, छोटा सा ही में हो जाएगा ये, इतने ही में। अभी यहाँ पे कितना है, इसको भी पहले यहाँ पे स्पेस कर दें, सबसे पहला वैल्यू 150 से 200, 200 से 250 कमाने वाले, 250 से 300, 300 से 3.5, 3.5 से 400, ठीक है। लेकिन 350 से 400 दिया ही नहीं है, सिर्फ 3.5 ही तक दिया हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 150 से 200 वाले में कितने लोग हैं, 14 लोग हैं, यानी कि यहाँ तक जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद 200 से 250 कमाने वाले 9 हैं, यानी कि 9, यानी 8 और 10 के बीच में ये रहे 9, ठीक। और उसके बाद 300 से 350 वाले में, अरे सॉरी 250 से 300 3 हैं, कितने हैं 3, यानी 4 और 2 के बीच में। अब इसके बाद कितने हैं, इसके बाद है 4, ठीक है, आप सबको ज्वाइन कर दो। ये सब इजी है, हिस्टोग्राम काफ़ी इजी है, रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे क्लास इंटरवल, और उसके बाद यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। आप चाहे सिंगल बनाओ, आप चाहे डबल बनाओ, डबल में बस इतना ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी जितनी हाईएस्ट गई है सिंगल सिंगल लोगे बहुत दूर तक जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो फोर्थ में कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4 पार्ट हैं, 0 to 10 3 फ्रीक्वेंसी, 10 to 20 7 फ्रीक्वेंसी, 20 to 30 5 फ्रीक्वेंसी, 30 to 40 8 और 40 to 50 2 फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये रहा मेरा वाई एक्सिस, अब यहाँ शुरू ही हो रहा है 0 to 10, ये 0 होता ही ओरिजिन का है ना, तो 0 से 10, 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 कितना तक है, सॉरी 40 to 50 तक था बस। फ्रीक्वेंसीज देखो कहाँ कहाँ हाइट तक गई है, 37582, तो 3, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी गई है 5, 37 के बाद यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 2,
ठीक है 37582। ठीक है तो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम। फिर इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में भी यही काम करना है, ये मनी अर्न किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है अप टू 140, 0 to 20 पहला है, फिर वहां से 140 तक। तो क्लासेस बनाते हैं हम, सब कुछ विजिबल हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो जीरो है ही, जीरो रखेंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, यहाँ तक गया है 140 तक। 4 3 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। अभी यहाँ पे 0 to 20 में फ्रीक्वेंसी कितना है, 4, कितनी फ्रीक्वेंसी है 4, ठीक है तो 4 हमने बना लिया। फिर उसके बाद 20 to 40 तक में कितना है, 18, कहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ तक, तो ये बना दिया हमने 18 के लिए। अब 18 का बनाने के लिए हो गया। अब इसके बाद 40 to 60 में देखो 22 हैं, यानी बिल्कुल टॉप तक जाना है मेरे को, यहाँ तक। ठीक है, अब 22 के बाद कितना है, फ्रीक्वेंसी है 14 10 8 4 14, नेक्स्ट क्लास में 14 के बाद 10 10 के बाद 8 8 के बाद 4। तो सबसे पहले ये 4 वाला ही बना दे 120 से 40 के बीच में, फिर उसके बाद इसको बनाते हैं हम 8 वाली फ्रीक्वेंसी, फिर 8 के बाद जस्ट ऊपर तक गई है 10 तक, है ना, बस बाकी सारी बनी हुई है। ओके, अब ये हो गया आपका हिस्टोग्राम। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट, ये फोर्थ का बी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी। अब 4 के बी के बाद 4 का सी, अब 4 का सी देख लो। ये तो बस आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है, और वैसे चैप्टर मुझे स्टार्ट करना था तो भाई सब कुछ करना है मुझे, हर एक क्वेश्चन 1 to 10, 11 to 20। ओहो, अब इसमें देखो डिफरेंस आ रहा है ना सी वाले में, तो सी वाले में कुछ करना पड़ जाएगा मेरे को लगता है, है ना, क्योंकि क्लास जो है वो सही से दी हुई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी करते हैं हम लोग, 4 का सी। फोर्थ का सी, अब यहां पे देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, सी आई क्लास दिया हुआ है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 एंड 51 to 60। ये तो गिवन है, अरेंज करना होगा एक्सक्लूसिव फॉर्म में। एक्सक्लूसिव फॉर्म में कैसे करेंगे हम बता रहे हैं, 10 में से 11 का डिफरेंस कितना है, 1 अपॉन में 2 कितना आया, 0.5। इधर में माइनस कर दो पूरी साइड 0.5, इधर में प्लस कर दो 0.5 पूरी साइड में, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि जितना इधर माइनस कर रहे हैं उतना ही इधर प्लस कर दे रहे हैं, और फिर देखो अरेंज होता है कि नहीं। तो 0.5 1 में से गया और 10 में प्लस हो गया तो 10.5, अगेन 11 में से माइनस करेंगे तो आएगा 10.5, और ये प्लस कर दिया तो 20.5, 21 में से माइनस करेंगे 0.5 20.5, ये आ गया तुम्हारा 30.5, ये 30.5 से लेके 40.5, और फिर ये 41 में से 0.5 माइनस तो 41.5 से लेके, अरे सॉरी 40.5 से लेके 50.5, फिर उसके बाद ये 50.5 से लेके 60.5।
अब रेगुलर हो गया, यानी इस साइड पूरा माइनस इस साइड पूरा प्लस, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव फॉर्म में हो गया, अब एक्सक्लूसिव फॉर्म में हो गया तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो थी वही लिखेंगे, 7, 3, 5, 2, 6 और फिर लास्ट में 4, 7, 3, 5, 2, 6, 4। अब इसको हम बनाते हैं। अब देखो ये कितना है, यहाँ 8 तक जा रहा है बस, तो सिर्फ 8 ही बॉक्सेस लगने थे, इसीलिए यहाँ पे सिंगल सिंगल ले लिया अपनी आसानी के लिए। तो पहले तो हमको वो लेना होगा ना क्लास इंटरवल, तो 0.5 से 10.5 से 20.5 से 30.5 फिर 40.5 और फिर 50.5 और 50.5 से 60.5, ठीक है। तो पहला कहाँ था, 0.5 से 10.5 तक था, तो ठीक है पहला यहीं से बनेगा और क्या, इन दोनों में कुछ नहीं रहेगा, पहला हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, है ना। 0.5 से 10.5 तक में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 7, यानी कि ये रहा। फिर 7 के बाद कितना है, 7 के बाद 3, 5, 2, 6, 4 7 के बाद 3, 5, 6, 2 और फिर 4 बना देते हैं सबको। तो हो गया तुम्हारा 7, 3, 5, 5 के बाद 7, 3, 5 उसके बाद 2, 6, 4 है ना। तो एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, 7, 3, फिर 5, 5 के बाद आना चाहिए था 2 है ना, 2 मिस हो रहा है। तो 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है 30.5 से 40 वाले में, यहाँ पे 2 है, ये 2 हो गया। 2 के बाद फिर से जाएगा 6 पे, 2 के बाद जाएगा 6 पे और 6 के बाद आएगा 4 पे। अब ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही फोर्थ का ही डी वाला है। अब फोर्थ का डी में देखो क्या है, क्लास इंटरवल दिया है 10, 20, 20, 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 70 कितना दिया है, 100 तक। कितने का डिफरेंस है, 10 का 10 का 30 40 50 से 70 दे दिया और 70 से 100 दे दिया, ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है। तो हमको बनाना भी वैसे ही पड़ेगा, ठीक है, बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं हम। इजी वे में जैसे बाकी सारा किए हैं वैसे ही ये वाला भी हम करने वाले हैं। सबसे पहले 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 सही से क्या, फिर 50 से कितना हो गया है 70, तो 50, 60, 70 लो कोई दिक्कत, 50 से 70 सीधा, फिर 70 से सीधा 80, 90 और 90 यानी 100 बस, और कुछ नहीं करना था। अब इसका फ्रीक्वेंसी तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6, 10, 16, 10 तो पहले 6, 6 के बाद 10, 10, 10 के बाद 16
अभी धीरे धीरे बनाते चलते हैं, क्योंकि बार बार अगर गलती होगी तो टाइम जो है ज़्यादा लगता चला जाएगा। तो लो भैया हमने बना लिया, हाँ बन गया 16 तक। अब इसके बाद 40 to 50 में कितना है, 10 है, तो 40 to 50 में भी पहले बना ही ले रहे हैं, 10 है। देखो 40 to 50 में 10 बन गया। अब इसके बाद 50 to 70 में 6 है, यानी इन दोनों को कवर करता हुआ 6 है। ये रहा तुम्हारा, इतना चौड़ा बन जाएगा, है ना, दोनों क्लास के लिए दिया हुआ है 6। फिर उसके बाद गैप है ना इसमें, फिर 70 to 100 में पूरा 3 दिया हुआ है, तो 70 से लेके 100 तक में पूरा कितना दिया है, सिर्फ 3 दिया है। तो कितना बना देंगे, ये बन तो गया, यहीं पे 3 बन गया था, ये एक्स्ट्रा निकाल दिया मैंने, ठीक है, बस यही फर्क था। यहाँ पे गैप ज़्यादा हो गया तो गैप ज़्यादा कर दिया, तो बल्कि 60 इसी में छुपा है, 80 और 90 इसमें छुपे हुए हैं हिडन है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा देखो, ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो आर द मार्क्स ऑब्टेंड बाय 40 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, 40 बच्चों ने एग्जामिनेशन में ये मार्क्स पाए हैं, मार्क्स दिए हुए हैं। क्लास इंटरवल 1 से 10, 11 से 20 लेना है, 41 से 50 तक, यानी उसको पता होगा मैक्सिमम वैल्यू 50 है। और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनानी है, और फ्रीक्वेंसी टेबल बना के और क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद हिस्टोग्राम बनाना है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन देखो हिस्टोग्राम में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो गैप दिया है, तो जो दिया है उसके हिसाब से पहले बनाते हैं। क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 5। CI जो गिवन है उसने कहा है 1 से 10 लेने को, 11 से 20, 21 से 30, 31 टू 40 एंड 41 टू 50, ये उसने कहा है लेने के लिए। आपको बताया ना इन दोनों का डिफरेंस, 1 अपॉन में 2 आया 0.5, तो इधर 0.5 माइनस और इधर में 0.5 प्लस, तो कैसा बनेगा एक्सक्लूसिव, 0.5 से लेके 10.5। अब 11 में 0.5 माइनस करना है तो अपने आप आ जाएगा 10.5, और ये कितना आ जाएगा, प्लस कर देंगे 20.5, 20.5 से 30.5 और 30.5 से 40.5, फिर 40.5 से 50.5, मिल गया। अब इसके बाद ये देखना है कि कितनी सारी वैल्यूज़ 1 से 10 के बीच में है, तो ये ढूंढने का काम आपका है। 1 से 10 के बीच में देर आर ओनली 6 वैल्यूज़, तो टेलीमार्क 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर 10.5 से 20 के बीच में कितने हैं, टोटल 8 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 के बाद 5, 6, 7, 8, 8 फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद ये ढूंढना होगा आपको 20.5 से लेकर 30 तक में कितना है, ये आपका 11 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। उसके बाद 30.5 से 40 के बीच में, 30.5 से 40.5 के बीच में कितना है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अरे मेरे पास ऑलरेडी डाटा है, इसके बाद देखो 41 से 50 के बीच में ढूंढ लो, तो 40 वाला देखो 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद 4 के बाद 4 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गया, है ना, इस तरह से आपको ढूंढना है। तो टोटल कितने आए, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
तो 8 और ये कितना था 5 2 7 आया था 7 8 ठीक है। अब हमको इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा तो बनाते हैं, यहाँ बगल में बनाया हुआ है। अभी देखो 6 है 8 है 8 है तो इसी की वजह से 2 2 का हमने डिफरेंस लिया हुआ है ना। 2 2 वाले में आसान भी है, बन भी जाता है और स्पेस भी कम लेता है, मतलब इस तरह का अगर डेटा रहे तो। सबसे पहला शुरू हो रहा है 0.5 से, यहीं से शुरू करते हैं 0.5, यहाँ से 0.5 से 10.5 से 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5 से 50.5। अच्छा एक देश देखो, जैसे यहाँ पे हम ना ऐसा लग रहा होगा कि अगर ज़्यादा कंजेस्टेड बना रहे हैं तो आप दो बॉक्स को एक मान लेना, यानी 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5 से 30.5, 40.5, 50.5, तो ऐसे ही बना सकते हो। ये लेंथ भी चाहो तो अपने हिसाब से तुम चूज़ कर सकते हो। और फ्रीक्वेंसी तो देखो बिल्कुल वाई एक्सिस पे है, हाइट पे है। तो पहला है 6, फिर है 8, पहला है 6, दूसरा है 8, तो 6 हो गया 8 हो गया, फिर 11 7 8, फिर है तुम्हारा 11, इलेवन के बाद 7, 7 के बाद फिर कितना था 8, तो 7 और फिर ये बन गया मेरा 8, ठीक है हो गया हिस्टोग्राम। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी टेबल द मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट। चलो 10 बच्चे और बढ़ गए, पिछले वाले में 40 थे। टेक द क्लास इंटरवल 11 से 20, 21 से 30, यानी शुरू ही करना है हमको 11 से 20, ठीक है। तो हम 11 से 20 शुरू करते हैं और 21 से 30 सबसे मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे और मैक्सिमम के पास जाके हम लोग रुक जाएंगे। तो सबसे लोवेस्ट 19 है और हाईएस्ट मेरे को दिख रहा है 64, है ना, 11 और 64 और सबसे लोवेस्ट अभी किधर दिखा था, ये रहा 19। चलो चलो काम पे लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है, बुक मैंने आगे कर दी। तो CI कितना लेना था, तो CI से पहले मेरे को बताना होगा ना आपको कि भाई क्यों मैंने कहाँ तक स्टॉप किया। तो यहाँ पे देखो लोवेस्ट कितना है 19 है और हाईएस्ट कितना है 64, इसी हिसाब से हम डेटा चूज करेंगे। यानी कि पहला तो 11 से 20 में अट जाएगा, फिर 21 टू 30, 31 टू 40, 41 टू 50 और 51 टू 60, 61 टू 70, बस ना इतना ही, क्योंकि सबसे मैक्सिमम कितना है 64 आ गया इसमें एडजस्ट। अभी इन दोनों का माइनस 21 माइनस 21 आएगा 1/2 0.5, तो 0.5 इधर माइनस और 0.5 को इधर प्लस कर लो, ठीक है। आ जाएगा ये 10.5 से 20.5, है ना, 11 में से 0.5 गया 10.5 और ये 20.5, फिर ये 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5, 40.5 से 50.5 और 50.5 से 60.5 और फिर 60.5 से 70.5। अब इसके बाद है टैली मार्क, अब तुमको ढूंढना होगा। तो 11 से 20 के बीच में कितने नंबर थे, सिर्फ एक ही है, और 21 से 30 के बीच में 4, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 31 से 40 के बीच में 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 1 4 और 14। फिर उसके बाद कितने वैल्यूज़ हैं, 41 टू 15 के बीच में 19 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर उसके बाद कितना है, 11 वैल्यूज़ हैं, तो 1 2 3 4 5
पाँच पाँच दस, दस एक ग्यारह इलेवन, फिर इसके बाद कितने हैं 61 से इसके बीच में सिर्फ एक ही है, ठीक है। टोटल करके देखो 19, 11 चार 15, 16, 16 14, 30, 30 19, एक 20, 30 20 50, टोटल 50 आ रहे हैं ना, ताकि आपको कंफर्म रहे कि सही है हमारा डेटा। चलो फिर इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले 10:30 से शुरू करनी है ना, तो 10.5, 20.5, 30.5, 40.5, 50.5 और ये 60.5 हो गया। 10:30 से 20 में कितना है, एक। सिर्फ एक, फिर 4 है अगले ब्लॉक में, तो 4 तक, फिर 4 के बाद 14, 19, फिर 14, फोर्टीन है, 14 के बाद 19, 11 और 1 है। कम कर दिया क्या मैंने, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 से फिर 70 तक गया है ना, तो 70.5 एक और लगाना पड़ेगा। तो अब है हमारा 19, 19 कहाँ तक जाएगा, 19 जाएगा तुम्हारा 18, 18 के बाद एक और ऊपर 19, ये गया तुम्हारा 19, 19 के बाद 11 और 1, तो 12 से ठीक नीचे आएगा 11, 12 से ठीक नीचे 10 और 12 के बीच में ये रहा 11, 11 के बाद फिर अगेन 1 है ना, यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। सेवन और एट दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभी एक चीज पता होगा, हम जब मीड मीडियन मोड पढ़ रहे थे तो यहाँ हिंट तो पहले ही दिया हुआ है, ज्वाइन द मिडिल पॉइंट ऑफ अपर साइड, तो यही है तुम्हारा आंसर। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ड्राइंग हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है ना, तो ये हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मोर देन 5 का मतलब 160, मोर देन 15 का मतलब पूरा 152, यानी 5 से ऊपर सारे दिए हुए हैं लास्ट तक का 160, फिर 15 से ऊपर सारे दिए हुए हैं, 25 से ऊपर सारे दिए हैं, यानी ये फ्रीक्वेंसी नहीं है बल्कि क्या है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सॉरी टेबल में अरेंज करते हैं, है ना। मोर देन 5 में तो 5 से 15 के बीच में कितने का गैप है, जो है आपका 10 का ना, तो 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 लेते हैं इसको, तो पहले वाले में कितना हो जाएगा, इसको इसको माइनस करके 160 और 152 को, फिर 152, 140 को, 140, 125, सबको एक दूसरे से माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पूरा CF दिया हुआ है। तो क्लास इंटरवल अपना उसी तरीके से बनाएंगे, 5 टू 15, 15 टू 25, फिर 25 से 35, एक आ गया और गैप पता है, तो फिर बनाते रहो 25 से 45, फिर उसके बाद 45 से 55, 55 टू 65, 65 टू 75 एंड 75 टू 85, मोर वैल्यूज आर देयर, 85 टू 95 एंड 95 टू लेके 105 तक, ये लास्ट है।
अब सी एफ पहले लिख लो 160, 152, 140, 125, 105, 81, 49, 23, 5 एंड 0. दोनों को माइनस करोगे 8 आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे 12 आएगा, फिर इन दोनों को माइनस करोगे 15 आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे 20 आएगा, फिर 24 आएगा, उसके बाद 32, 26, 81 में से 49 गया, 49 में से 23 जाएगा, 18 में से 23 में से 5 जाएगा तो 18, फिर 5 में से 0 जाएगा 5, और लास्ट में तो 0 है. ये हो गया आपका. अब देखो यहाँ पे, देखो सब तो मोस्टली 2 से डिविजिबल हैं, तो वही 2 वाला ही लिया है मैंने. सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे, है ना. पहले हिस्टोग्राम, ड्राइंग हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं. कैसे बनेगा, वही 5 से 15 के इंटरवल में 8 है, 15 टू 25 के इंटरवल में 12 है. शार्प कर लें थोड़ा सा. तो पहला यहाँ से शुरू करते हैं, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, से 55, से 65, से 75, 85, 95, 105. तो टोटल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाँ बिल्कुल सही है. तो अब फ्रिक्वेंसी लगाते हैं, पहले 8 है. टाइम ज़्यादा लेगा ये, क्योंकि फ्रिक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है. सबसे पहला है 5 से 15 के बीच में 8, फिर उसके बाद है 12, 15, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 15. तो पहले यहाँ पे 12 बनाते हैं. और फिर 15 भी बना लिया 25 से 35 के बीच में. 20, 24, 32 है अब. तो पहले तो जाएगा बगल में 20, 20 के बाद जाएगा बगल में 24, ठीक, 20, 24. तो 20, 24 कर लिया हमने, 24 वाला भी लाइन खींच लें पहले. अब इसके बाद है 55 से 65 के बीच में है 32, तो 32 के लिए और ऊपर जाना होगा, ठीक है. दिख रहा होगा, ये दिख रहा है विजिबल है, 32 के लिए पूरा यहाँ तक जाना होगा. ये आगे टच कर गया, इसको पूरा नीचे तक लेते आते हैं. फिर उसके बाद 26, 18, 50, फिर उसके बाद 26 है, 26, और 26 के बाद कितना है, 18 वाला कहाँ है, ये रहा. अट्ठारह के बाद 5 है, 5 बोले तो 6 और 4 के बीच में होगा, 4 और 6 के बीच में, ये रहा इन दोनों के बीच में, ये रहा मेरा 5, और इसके बाद 0 है. हो गया. अब तुमको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो हिंट में पहले ही दिया हुआ था. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहाँ से बनेगा, बिल्कुल मिडिल को मिलाते हुए. तो मिडिल देखो इसका, पहले यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं. ये हो गया मिडिल, इसका मिड यहाँ है, इसका मिड यहाँ है, इसका मिड यहाँ है, इसका यहाँ है मिडिल, और इसका मिडिल यहाँ होगा, और इसके एकदम बीचों बीच यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, है ना. 18 से सीधे 5 आ गया है, और फिर 0 वाले पे भी. बस ज्वाइन कर दो सबको, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा.
सारे डॉट्स बनाने के बाद। बस हमें ज्वाइन करके चलना है। शार्प रहेगी पेंसिल तो ठीक ही रहेगा, क्लियरली विजिबल रहेगा सब, क्योंकि ज़्यादा मोटी पेंसिल रहती है तो फिर इधर उधर लाइन जाता है। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, नीचे से लेके ऊपर तक देख सकते हो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेम टाइप से दिया हुआ है। द नंबर ऑफ मैच स्टिक इन 40 बॉक्सेस ऑन काउंटिंग वॉज फाउंड एज गिवन बिलो। नंबर ऑफ मैच स्टिक जो 40 बॉक्सेस में थे इस तरीके से मिले। टेकिंग क्लासेस 40 से 41, 42 से 43। ओहो, इन्होंने भी परेशान किया है। कंस्ट्रक्ट द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द एबव डाटा। अच्छा, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और फिर हिस्टोग्राम भी बना देना है इसके लिए। करते हैं प्रबंध इनका। ये बना लिया हमने पहले, तो क्लास तो इनकी अच्छी है नहीं। सबसे पहले देखो इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। हाईएस्ट वैल्यू 52 है और लोवेस्ट कितनी है? लोवेस्ट है आपका 40। 40 से 41, 42, 43। इन्होंने दिया कितना है? 40 से 41, 42 से 43, फिर 43 से 44। ओके, 43 से 44 क्यों? 44 से 45, फिर 46 से 47, 48 से 49, और फिर 50 से 51, और फिर 52 से 53। ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का गैप 1/2, 0.5। इधर माइनस कर लो 0.5 और इधर प्लस कर लो 0.5, अरेंज हो जाएगी, एक्सक्लूसिव हो जाएगी क्लास। तो 40 में 0.5 जाएगा, कितना आएगा? 39.5, 41.5, फिर 41.5 से माइनस करने पे 0.5, 43.5, फिर 43.5 से 45.5, 45.5 से 47.5, और 47.5 से 49.5, और 49.5 से 51.5, और फिर 51.5 से 53.5। बन गया। अब वैल्यूज देखो इनके बीच में कितनी फॉल करती हैं। तो 39.5 से लेके 41.5 के बीच में कितनी वैल्यूज़ हैं? सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं। फिर उसके बाद 41.5 से लेके 43.5 के बीच में कितनी वैल्यूज़ हैं वो आपको देखने पता चलेंगी। 12 हैं टोटल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर उसके बाद 43.5 से 45.5 के बीच में 7 वैल्यूज़ हैं, तो 3, 4, 5, 6, 7। फिर है आपका 46 से 47 के बीच में कितना है? 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर उसके बाद कितना है? 48 से 49, टोटल वैल्यूज अगेन 7 है, तो 7। फिर इसके बाद 49.5 से 51.5 तक टोटल 4 है, तो 4। और ये तो सिर्फ कितना दो वैल्यूज हैं इसमें। अब इसको ड्रॉ करना है हमको, तो शुरुआत करना है, पहले इसको स्क्वीज कर देते हैं यहाँ पे। कितना है? 39.5, फिर 41.5, फिर 40,
45.5, 47.5, 49.5, 51.5 और लास्ट वाला 53.5। तो पहला इन दोनों के बीच में 39.5 से 41.5 के बीच में सिर्फ कितना है? 2। फिर इसके बाद कितना है? 12। फिर इसके बाद कितना है? 767। यानी कि पहले 7, फिर 6 और फिर 7, फिर 4 है और फिर 2 है। बन गया सारा हिस्टोग्राम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे और क्लासेस हमेशा एक्स एक्सिस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।